पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध एक लीटर एक किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। तो वही महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैजनाथ पहुंचे हैं और बैजनाथ में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उनके लिए एक अच्छा पैकेज हमने दिया है, उस पैकेज के अनुसार मेरा ये मानना है कि जो विस्थापित होता है उसके मन में दर्द तो होता है, लेकिन जो हम अच्छा पैकेज देंगे वो उसको महसूस करेंगे और जल्दी ही कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे कांगड़ा जो हमने टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की बात कही है उस दिशा में हमने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। यही नहीं, आज प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो पंचकुला में एक ललित होटल है उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो विधायक हमारे यहां से गए हैं, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 आजाद विधायक है, वो अपनी आत्मा से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार का दर्द उनके सीने में होगा, क्या पीड़ा उसके मन में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गलत किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जब बाहर आएंगे तो इनके मन में एक पीड़ा और एक पछतावा हमेशा के लिए होगा कि हमने कांग्रेस की जो आम जनता की सरकार थी उसको गिराने का हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश के हित की बात करने की बात करती है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रदेश का हित नहीं देखा। इतनी समस्याएं थी, हम उस समस्याओं का निपटारा धीरे धीरे करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे 12-12 साल से, 18-18 साल से कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझसे वो मिलने आए, कहा अब तो हम रिटायरमेंट पर पहुंच गए, हमारा भी सुध लीजिए। मैंने उनसे कहा था अभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठीक होने दीजिए। और पिछले कल ही हमने उन कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक नई नीति लाई ताकि वो सरकार में अपना रोजगार प्राप्त कर सके। उसी तरह एसएमसी में भी पिछले 20 साल से 15 साल से एसएमसी टीचर लगे हुए थे, हमारी सरकार ने कल ही कैबिनेट में ये फैसला लिया कि इनको भी सरकार में ले लिया जाएगा। इसके अलावा कितने ऐसे केसेस थे जो कोर्टों में चलते थे, जेओआईटी का केस था, कल ही हमारी कमेटी सब कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन दी कि जेओआईटी के जो बच्चे हैं उस रिकमेंडेशन के आधार पर उनको सरकार में रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। हमारी सरकार ने इस पर भी जल्द फैसला करने का वादा अपने युवा साथियों को किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, नित नए षड्यंत्र सरकार को गिराने के लिए कर रही है। प्रदेश में आपदा आई, आपदा इतिहास की सबसे बड़ी थी, कई घर उजड़ गए, 13,000 घर कच्चे और पक्के आंशिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा, 3,000 घर पूर्णतः उजड़ गए। हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि 4500 करोड़ रुपए की घोषणा थी। उस घोषणा के अनुरूप पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर इस आपदा से निपटने के लिए कार्य शुरू किया गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रदेश के नेता यहाँ से जाकर
जो हमारा अधिकार बनता है उस अधिकार को रोक के रखे हैं। जैसे कि अभी 9,043 करोड़ आपदा के बाद हमारी सरकार का, हमारी जनता का अधिकार बनता है, आपका अधिकार बनता है। केंद्र सरकार ये बताए कि जो 9,033 करोड़ बाढ़ के बाद आपदा राज्य को मिलने चाहिए थे, वो आज तक क्यों नहीं मिले, जबकि वो दिसंबर में हमें मिल जाना चाहिए थे। उसके पीछे भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस प्रकार वो कांग्रेस या हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक छीन रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, निश्चिंत रहिए, चोरी से लेकर जो विधायक गए हैं और जो धन की आत्मा से अपने विधायक बिके हैं, अंतरात्मा नहीं जी, धन आत्मा थी वो जिस धन की आत्मा से जो विधायक गए हैं, याद रखना आप वो अपने जीवन की बहुत बड़ा पछतावा कर चुके हैं। और मैं ये भी कहना कर चाहता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना लेना, किसी भी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र कर लेना, लेकिन हिमाचल की जनता, हिमाचल के आम परिवार की जनता, किसान, माताएं, युवा साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये वक्त बताएगा। आज महिलाओं के लिए हमने पिछली कैबिनेट में, पिछले कल जो कैबिनेट हुई, सभी महिलाएं जो यहाँ बैठी है, आपको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमने आपके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक महिला को जिसने 18 साल से के ऊपर की उम्र पार कर रखी है, उसे जीवन के अंतिम सांस तक हमारी सरकार 1500 रुपया प्रत्येक महीना देगी और 18,000 रुपया साल का देगी। ये हमारी गारंटी थी, इस गारंटी को हमने पूरा करके दिखाया। और ये गारंटी पूरी कैसे हुई? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो भ्रष्ट तरीके थे उन तरीकों को बंद कर दिया, और जो उस भ्रष्ट तरीके से बचा हुआ पैसा है वो आम लोगों के हित में और महिलाओं के हित में हम देने जा रहे हैं। अंत में मैं किशोरी लाल जी ने जो कहा है, इन्होंने काफी मांगे रखी है। किशोरी लाल जी एक सिद्धांतवादी है, इनके पास भी कई लोग आए बड़ी बड़ी टैची दिखाने के लिए। किशोरी लाल जी ने कहा, मैं इन टैचियों के सहारे अपना जीवन यापन नहीं करता, दो वक्त की रोटी सुबह खाता हूँ, दो वक्त की शाम को खाता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ।